सामान खरीदते वक्त भले ही लगे कि हमारे पैसे की पूरी कीमत वसूल हो रही है, पर यकीन मानिए कंपनियां हमें किसी ना किसी तरह ठगती जरूर हैं। शातिर तरकीबें अपनाकर वे हमारे ज्यादा से ज्यादा पैसे ऐंठना चाहती हैं। खैर, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे इस तरह ठगे जाने से आप कैसे बच सकते हैं। बिक्री बढ़ाने का एक जबरदस्त तरीका है कस्टमर पे दबाव बनाना। ऑनलाइन सेलर्स अपनी वेबसाइट पर किसी प्रोडक्ट को एक ही समय पर देखने वाले लोगों की संख्या बताकर उस प्रोडक्ट के हाई डिमांड में होने का एहसास कराते हैं, जिससे कस्टमर पे प्रोडक्ट खरीदने का दबाव बनता है। पर बहुत कम लोग ही जानते हैं कि ये संख्या ज्यादातर फर्जी होती है। एक ट्विटर यूजर ने किसी एयरलाइन की वेबसाइट के नाउ वॉचिंग काउंटर का सोर्स कोड चेक किया, पता चला यूं ही कोई भी संख्या उठाकर डाल दी जाती थी। इस लगभग गैर कानूनी आचरण के लिए कई कंपनियां जांच के घेरे में हैं। अगली बार किसी वेबसाइट पर नाउ वॉचिंग नजर आए तो तुरंत क्रोम खोलकर पेज का सोर्स कोड चेक कीजिए, क्या पता आपको भी किसी फर्जीवाड़े का बड़ा सबूत मिल जाए। ग्राहक को बेवकूफ बनाने के सबसे प्रचलित तरीकों में से एक है टॉयलेट पेपर की पैकिंग। ये सब बकवास देख रहे हैं, हर रोल दूसरे रेगुलर रोल से बेहतर होने का दावा कर रहा है। ये बकवास नंबर सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ताकि वे सबसे बड़े नंबर वाला रोल खरीदें। इन रोल्स को रेगुलर रोल से कंपेयर किया जाता है, पर रेगुलर रोल की कोई फिक्स्ड साइज नहीं होती है। हर मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से तय करता है, क्या पता कोई 50 शीट वाले रोल को मानक लेकर 1000 शीट वाले रोल से कंपेयर कर रहा हो। इस तरह से ठगे जाने से बचने के लिए नंबर्स की जगह पैकेट पर लिखा स्क्वायर फीट देखिए, ताकि आपको पता रहे कि आपको असल में कितना टॉयलेट पेपर मिल रहा है। सामान खरीदते वक्त उसका वजन जरूर चेक कीजिए। क्यों? क्योंकि डोरिटो का ये बड़ा वाला शेयर पैक देखिए, लेबल देखते ही जाहिर हो जाता है कि ये पैकेट सिर्फ साइज में बड़ा है, चिप्स इसमें आम पैकेट जितनी है। बदकिस्मती से हॉट डॉग भी धोखाधड़ी से महफूज नहीं है। इस हॉट डॉग पैकिंग में 2 एक्स्ट्रा पीस मुफ्त देने का दावा करने वाली बेहद आम ट्रिक अपनाई गई है, पर डिब्बे को साइड से घुमाकर देखिए, ये एक्स्ट्रा पीस रेगुलर वाले हिस्से से ही निकाले गए हैं, यानी अंत में आपको पहले जितने पीस ही मिल रहे हैं। मकारी की भी हद होती है भाई। मैकडोनल्ड्स भी इस खेल में दूध का धुला नहीं है, कम से कम इंडिया का वो मैकडोनल्ड्स तो बिल्कुल नहीं जिसमें ये रेडिएटर गया था। कुछ ज्यादा ही दफ्ती में पैक इस बिग स्पाइसी चिकन रैप के साथ एक चेतावनी भी लिख देनी चाहिए थी, इसमें बिग शामिल नहीं है। चॉकलेट का ये डब्बा तो मैकडी से भी एक कदम आगे है। ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल कि इसे गिफ्ट में देने वाले की नाक ही कटवा दे। वैसे पैकिंग बड़ी ईमानदार भी है, पारदर्शी प्लास्टिक से जितनी दिख रही है बस उतनी चॉकलेट ही मिलेंगी, बाकी जगह बेकार की है, जो बस इन शातिर चॉकलेटियर्स का प्रॉफिट बढ़ाती है। जेमसन विस्की का ये गिफ्ट पैक तो बड़ा ही भ्रामक है, इसे बनाने वाले पक्का इसे पीकर धुत रहते होंगे। डब्बा देखकर तो लगता है कि जेमसन की बड़ी बोतल के साथ जिंजर एल की एक छोटी बोतल मिलेगी, पर होता इसका ठीक उल्टा है। ऐसा धोखा खाने के बाद तो किसी को भी ड्रिंक की जरूरत पड़ जाए मेरे भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी खूब धोखाधड़ी होती है। इस रेडिएटर ने एक स्पीकर सेट खरीदा और पाया कि ऊपर वाला छोटा स्पीकर बस यूं ही शो के लिए है। कुछ कंपनियां पैकेज की छोटी लिखावट में कॉस्मेटिक या डेकोरेटिव बता देती हैं, पर इसका जिक्र तक नहीं करती। तो अगली बार इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते वक्त कॉस्मेटिक शब्द जरूर खोजें, रिव्यूज पढ़ें और खुद को धोखा खाने से बचाएं। सैमसंग जैसी कुछ कंपनियां भी एक बड़ा ही मूड खराब करने वाला काम शुरू कर देती हैं। कई बार स्मार्टफोन्स पर अपने दूसरे प्रोडक्ट्स का नोटिफिकेशन भेजती हैं। सोचिए कितना गुस्सा आता होगा जब आप फोन घनघनाने पर जेब से निकालते हैं और पता चलता है कि एडवर्टाइज है। जब आप पैसे देकर उनका प्रोडक्ट ले ही चुके हैं तो उन्हें आपको और सामान बेचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके बताइएगा। मोबाइल फोन नेटवर्क्स तो फोन कंपनियों से भी ज्यादा बदतर हैं। यूजर एक्सपीरियंस से ज्यादा इम्पोर्टेंट स्पॉन्सर्ड डील्स होती हैं। कुछ सेलर्स अपनी पार्टनर कंपनियों के ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, जो फोन का इस्तेमाल शुरू होने से पहले ही अच्छी खासी मेमोरी खा जाते हैं। और तो और, इनमें से ज्यादातर एप्स को हटाते भी नहीं है, सिर्फ डिसेबल होते हैं। फिर भी ये आपके फोन से जाते नहीं है और अपनी मौजूदगी से आपको चढ़ाते रहते हैं, और आपको होने वाली ये दिक्कतें ही फोन नेटवर्क के मुनाफे का जरिया है। शाबाश। अब चलते हैं संदिग्ध ईबे सेलर्स की तरफ। ऐसी डील्स में आंखें खुली रखना बड़ा ही फायदेमंद साबित हो सकता है। कुछ सेलर अपने डिस्क्रिप्शन में स्टार इमोजी का इस्तेमाल करके खुद को 5-स्टार रेटिंग दे देते हैं। अच्छे सेलर्स को फर्जी रेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं फर्जी रेटिंग्स को खराब प्रोडक्ट मिलने की गारंटी माना जा सकता है।
तो सामान खरीदने से पहले अपने लकी स्टार्स जरूर गिन लीजिएगा। वैसे इन कंपनियों की ट्रिक्स कभी कभी बड़ी शानदार होती हैं। जैसे ये इंस्टाग्राम एड, इसमें स्क्रीन पर एक बाल दिखाई पड़ता है, व्यूवर्स जैसे ही बाल हटाने के लिए स्वाइप करते हैं, कंपनी का शॉपिंग पेज खुल जाता है। कंपनियां अपनी इंटरनेट सक्सेस को इससे नापती हैं कि उनके कंटेंट से कितने लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो भले ही आप कुछ न खरीदें, सिर्फ उनके पेज पर जाने भर में भी उनका फायदा हो जाता है। अगली बार कपड़े खरीदते वक्त ऐसे बोर्ड्स को जरा ध्यान से देखिएगा। इन्हें आपको किसी खास सेक्शन की तरफ आकर्षित करने के लिए लगाया जाता है, पर करीब से देखने पर सच्चाई कुछ और ही निकलती है। जैसे ये बोर्ड, इसमें से सिर्फ 2 या 3 आइटम ही $3 के होंगे, पर स्टोर वालों को तो आपके साथ हुए धोखे से कोई मतलब नहीं है। बस आप उनके सामान के पास पहुंच जाइए। जब आप पास जाएंगे तो जाहिर है कुछ खरीदने की उम्मीद बढ़ जाएगी। तो अगली बार इन बोर्ड्स को शक की निगाह से देखना मेरे भाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि कस्टमर्स के साथ सबसे ज्यादा धोखा जूस या तेल वगैरह खरीदते वक्त होता है। कॉर्पोरेट वकीलों की चालाकी की बदौलत कंपनियां कानूनी तौर पर दावा कर सकती हैं कि इस बोतल में 100% जूस है, जबकि होता है सिर्फ 27%। चूंकि वो ड्रिंक में जूस मिलाते हैं, इसलिए तकनीकी तौर पर दावा कर सकते हैं कि पूरा ड्रिंक ही जूस है, जबकि असल में प्रोडक्ट का 73% हिस्सा पानी और दूसरे इंग्रेडिएंट से बना होता है। इसी तरह का छलावा एवोकाडो ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स में भी देखने को मिलता है। प्रोडक्ट का सिर्फ कुछ ही हिस्सा एवोकाडो ऑयल होने की वजह से 100% एवोकाडो ऑयल का तकनीकी दावा किया जाता है, जबकि असल में सिर्फ 10% ही होता है, बाकी तो कनोला ऑयल होता है। पक्की जानकारी के लिए हमेशा पीछे वाला लेबल चेक कीजिएगा। ऑनलाइन हॉलीडे बुकिंग इंडस्ट्री भी कुछ भी करके प्रॉफिट बढ़ाने में किसी से कम नहीं है। एक रेडिट यूजर ने एयरबीएनबी होस्ट के तौर पे अपनी आप बीती सुनाई। एक बार उन्होंने कंपनी द्वारा लगाया गया अपना एड देखा। फोटो तो सही थी, पर रेट असल रेट के मुकाबले आधा था। उनकी इस खोज ने एयरबीएनबी के झूठ का पर्दाफाश किया। कंपनी कस्टमर्स को लुभाने के लिए झूठे डिस्काउंट्स का प्रचार करती थी, लेकिन कस्टमर्स के साथ छल करने के मामले में होटल की बुकिंग ऑनलाइन करने वाले होटल मालिकों से किसी का कोई मुकाबला नहीं। इस पॉलिश होटल के ट्रिवागो पेज पर रहने के लिए बड़ी सुंदर सी जगह दिखाई गई है, पर होटल के ठीक पीछे स्थित बदसूरत पावर पॉइंट को गायब कर दिया गया है। इसी तरह वियतनाम के इस होटल के booking.com पेज पर एक शानदार इन्फिनिटी पूल दिखाया गया था, पर वो पूल कम किसी बाथटब जैसा ज्यादा निकला। भले ही इतना छल कपट देखकर आपको तनाव हो जाए, पर मैं डबल स्निकर बार खाने की राय बिल्कुल नहीं दूंगा। डुओ बार भले ही 2-4 रुपए सस्ता पड़ता हो, पर इसमें 2 सिंगल बार्स के मुकाबले चॉकलेट भी 20% कम होती है। ऐसे केसेस में हमेशा वेट के हिसाब से दाम चेक किया कीजिए, क्या पता सिंगल पीस सस्ते पड़ जाए। पैकिंग फ्रॉड के मामले में चाइना से कोई आगे नहीं है। इस डब्बे में रखे श्रम्प कितने बड़े लग रहे हैं, पर बीच वाला लेबल हटाने पर सच पता चलता है। कंपनी ने इन्हें बीच से काट दिया है ताकि ये बड़े लगें। लगता है कंपनियां ग्राहकों की बड़ा है तो बेहतर होगा वाली मानसिकता का फायदा उठाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। कुछ ट्रिक्स कंपनियों को तत्काल फायदा पहुंचाती हैं, पर कुछ थोड़ा दूर की सोचती हैं। एक ट्रिक है श्रिंकफ्लेशन, जिसमें कंपनियां बिना दाम कम किए प्रोडक्ट का साइज छोटा कर देती हैं। कैडबरी और उसकी पेरेंट कंपनी मॉन्डलेज इस मसले में सबसे आगे हैं। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से कैडबरी वाले डेरी मिल्क चॉकलेट बार के कोनों को गोल करके पैसे बचा रहे हैं। गोल किनारों वाले बार में 8% कम चॉकलेट होती है और आम महंगाई की वजह से दाम भी बढ़ा दिया गया है। क्या बिन धोखा खाए स्वादिष्ट चॉकलेट खाने की इच्छा रखना इतना बड़ा गुनाह है? दूसरी चॉकलेट्स भी बाहर से बड़ी शानदार नजर आती हैं, पर अंदर कुछ और ही निकलता है। अब इस गोडीवा चॉकलेट को ही ले लीजिए। देखकर लगता है कि इसमें उम्दा चॉकलेट का एक सॉलिड बार होगा, लेकिन रैपर हटाते ही उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इस तरह के खोखले बार में 50% तक कम चॉकलेट होती है, जिससे काफी पैसे बचते हैं, पर साथ ही ग्राहकों की जेब और पेट दोनों खाली रह जाते हैं। इस तरह के पॉपकॉर्न गिफ्ट सेट तो गोडीवा वालों के छल को भी मात दे दें। पॉपकॉर्न का ये लबालब भरा हुआ डब्बा रैपर हटाने पर सिर्फ 1/3 भरा हुआ निकलता है, पर अफसोस पैकेट खोलने के बाद ही आपको अंदर लगी इस दफ्ती के बारे में पता चलता है। और तो और, ये घटना शेयर करने वाले रेडिटर ने बताया कि वो 1/3 पॉपकॉर्न भी सड़ा हुआ था। मगर ग्राहकों को चूना लगाकर उनके पैसे ऐंठने की नई नई तरकीबें खोजने के मामले में एप्पल से कोई आगे नहीं है। अब साल 2019 का हादसा ले लीजिए। एप्पल ने अपने लेटेस्ट मैक प्रो का स्टैंड अलग से $1,000 में बेचने का ऐलान किया। जी हाँ, $1,000 का।
पर एप्पल वाले ग्राहकों से पैसे उगलवाने की ऐसी और भी बहुत सारी तरकीबें अपनाते हैं कि भनक भी ना लगे। उनकी वेबसाइट पर आईफोन 11 का प्रेजेंटेशन इसका बेस्ट एग्जांपल है। ग्राहकों को सबसे महंगा फोन खरीदने को उकसाने के लिए 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स को रेगुलर 11 के बगल में कुछ इस तरह से दिखाया गया। महंगे वाले मॉडल्स पर उन्होंने डार्क वॉलपेपर लगाया जिसकी वजह से उसकी स्क्रीन का नॉच नजर नहीं आता, वहीं 11 का नॉच साफ नजर आ रहा है और उसके लुक में वो बात नहीं मालूम पड़ रही, जबकि असल में तीनों मॉडल्स के नॉच एक जैसे ही हैं। पर महंगे मॉडल्स की स्क्रीन को ज्यादा बेहतर दिखाकर कंपनी ग्राहक को ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए उकसा रही थी। वैसे सच कहूं तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं तो ये फिजेट स्पिनर देखते ही पिघल गया था मेरे भाई। क्या आपने भी ग्राहकों को ठगे जाने की कोई ट्रिक देखी है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।